सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपका दोस्त मिर्ज़ा। तो आज नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं कश्मीर में हूँ, यहाँ से मैं चलूँगा कन्याकुमारी बाई ट्रेन। तो 3 दिन का यहाँ से सफ़र है और अभी मैं पहुँच गया हूँ जम्मू तवी। तो जम्मू तवी से मेरी हिमसागर एक्सप्रेस है जो 3 दिन में मुझे कन्याकुमारी पहुँचाएगी। ठीक है, तो बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो इस ट्रिप में क्या क्या होता है देखते हैं इस वीडियो में। बाय। ये हमारी ट्रेन है लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी 3 दिन की। ये है हमारी ट्रेन वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कन्याकुमारी तक। ये सब व्यू मिलेंगे जब साउथ में जाएंगे, एंट्री करेंगे। साउथ में बहुत अच्छा व्यू है। चल रही हमारी ट्रेन जम्मू टू कन्याकुमारी श्री माता वैष्णो देवी से स्टार्ट होती है। उसके बाद जम्मू होते हुए ये कन्याकुमारी जा रही है। आज रात में तो कन्याकुमारी पहुँच जाएंगे 11:50। तो ये हमारा आ गया कन्याकुमारी। बहुत सन्नाटा है स्टेशन पे। ट्रेन चलती चली जा रही है हमारी स्टेशन और टाइम से पहले ही आ गए हैं। टाइम था हमारा 11:20 का गाड़ी का, मगर 11 बजे गाड़ी आ गई है। तो ये हम पहुंच गए हैं कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है स्टेशन पर, कोई है ही नहीं। कोई सन्नाटा पड़ा हुआ है। यहाँ से होटल बुक किया हुआ है। लॉज कितने में मिलेगा सुबह रहते हैं? 250-300-400 जैसा लिए हमने। तो जो बुक किया 750 का बुक किया है। 750 का है, बेहतरीन है, अच्छा लॉन्च।
तो ये हम पहुंच गए कन्याकुमारी। तो ये ट्रेन की पटरी यहाँ से ख़त्म हो जाती है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर प्लेटफॉर्म है, चार प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। इस टाइम तो अंधेरा है यहाँ पे, और बस ये इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। जम्मू से आए थे हम और ये कन्याकुमारी पहुंच गया, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का। काफ़ी छोटा स्टेशन है, तो ये आ गए हम कन्याकुमारी। और ये बाहर जाने का रास्ता है।